सर रोड चले गए अब यार तू मुझे कुछ दिखा दो और इस तरह से इस ट्राई बर्गर का पहला नतीजा आता हुआ और इस तरह से पहला गोल हो चुका है दुमका की तरफ से के लिए इस बार अखंड ज्योति अरुषी फुटबॉल क्लब देवघर के खिलाड़ी शॉट के लिए आती हुई देखना है नेहा शॉट के लिए तैयार और नेहा ने शानदार गोल दाग दी है देवघर एक दुमका एक अभी एक एक शॉट हो चुका है और तरफ एफसी जवान स्टार की टीम मैदान के अंदर आ गई है और 3 लाख और 3.5 लाख के बीच का खिताबी भिड़ंत होगा फाइनल में लड़कों का और इस तरह से ये मिस शॉट किया है और इस तरह से दुमका का सेकंड शॉट मिस हो गया है और देवघर की टीम क्या यहां से लीड ले पाएगी या नहीं और दोनों अभी भी बराबर दुमका 2 खिलाड़ी में से 1 गोल और देवघर 2 में से 1 गोल हो चुका है बॉल माउ को और बहुत ही शानदार दुमका की तरफ से यहां पर तीसरा शॉट गोल में कन्वर्ट हो गया और दुमका 3 में से 2 गोल हो चुका है और देवघर की तरफ से अब थर्ड प्लेयर शॉट के लिए आएंगे अखंड ज्योति अरुषी फुटबॉल क्लब देवघर के कैप्टन और इस तरह से शॉट तो लगाया मगर गोलकीपर मंजुला ने अच्छा सेव किया है और इस तरह से दुमका की टीम इस मुकाबले पर थोड़ा सा लीड पर है 1-0 से यहां पर और इस तरह से दुमका की टीम 2-1 से इसके सभी वासी इस समय दुमका टीम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे होंगे कि यहां पर इस साल का चैंपियन दुमका की टीम बने लेकिन क्या कमाल दिखाएगी ये जर्सी नंबर 8 संगीता हस्ता शॉट के लिए आई है और शानदार यहां पर फिनिश दुमका की टीम ने 4 में से 3 गोल कर चुकी है और देवघर की टीम 3 में 1 गोल किया है और अभी भी दुमका की 2 नंबर जर्सी पहने हुए देवघर की तरफ से देखना है सोनिया रॉय किस तरह से शॉट लगाई सोनिया रॉय 4थे स्थान पर शॉट के लिए आई है और आखिरकार सोनिया ने गोल दाग दी है और इस तरह से देवघर 4 खिलाड़ी में से 2 खिलाड़ी गोल दागा है 2 का मिस हुआ है और ये दुमका की टीम के लिए चैंपियन बनने का दुमका की टीम गर्ल्स फुटबॉल मैच का ये फाइनल का ये रिजल्ट कुछ ही देर में हमारे सामने होगा अगर गोले कंठाट तो दुमका जिला का सदर का टीम को चैंपियन को बना हुआ नियल बुन रही शानदार चालाबन बछोर रहे का जब तक टॉप प्लेयर चुनाव ना मंजुला और नई चिल का शॉट लगा हुआ नुए गोल खाएगी 30,000 को पड़ा हुआ पहली प्राइज और इसी के साथ दुमका की टीम ने बाजी मार ली है इस मैदान पर और इस तरह से एनवाईसी आलूबेड़ा के मैदान पे गर्ल्स टीम के चैंपियन बन गई है दुमका की टीम और देवघर की टीम इस टूर्नामेंट में सेकंड मैदान पर रनर अप टीम साबित हो गए हैं मैं दोनों टीम के मैनेजर टीम के सभी प्लेयर को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं आप लोगों ने इस मैदान पर है और आपने इस टूर्नामेंट में आकर के बहुत सारे फुटबॉल प्रेमियों को एक नई लेसन एक नई शिक्षा देकर जा रहे हैं आपको देखकर निश्चित रूप से इस क्षेत्र के जो उभरती भी जितने भी टैलेंटेड लड़कियां हैं आपके तरह बनने की कोशिश करेंगे आपकी तरह खेलने की कोशिश करेंगे आप दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं फुटबॉल करियर के लिए